यस, एक और नए स्टूडेंट से मिलते हैं, देवयानु घोष से, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 212 है, जो कि कोलकाता से हैं और इनको एनआईटी कैलीकट अलॉट हुआ है, मतलब इन्होंने एनआईटी कैलीकट लिया है। तो सबसे पहले बेटा आपको एनआईटी कैलीकट के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, आपको भी थैंक यू, आपके हेल्प की वजह से ही यह हो पाया है। बेटा देखो क्या होता है, हर एक चीज का कॉम्बिनेशन होता है, एक इम्पिटस गुरुकुल का सपोर्ट, एक आपकी मेहनत, इन सब के मिले जुले रिजल्ट होते हैं। अच्छा, आपने ये जो निमसेट का एग्जाम दिया था फाइनल ईयर के साथ दिया था, है ना? यस सर। तो मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि अक्सर जो बच्चे फाइनल ईयर में होते हैं, सेकंड ईयर में होते हैं, उनको कई बार ये फेयर होता है कि फाइनल के साथ प्रिपरेशन कर पाएंगे कि नहीं। तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी जो सक्सेस जर्नी है वो जरूर बताएं बच्चों को, कि पहले तो निमसेट के लिए सोचा कब, फिर किस ढंग से प्रिपरेशन की घर पर रह के, क्योंकि आप ऑनलाइन पढ़ाई करते थे, तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? यस सर, तो मैंने बीएससी किया है। मेरा नाम देवायन घोष है, मैं कोलकाता से हूँ। मेरा एआईआर रैंक 212 है। और वैसे मैं ग्रेजुएशन के शुरुआत में मुझे नीमसेट या एमसीए के बारे में उतना नॉलेज नहीं था। मैं जब कॉलेज शुरुआत हुई तो दोस्तों से बात करते करते पता चला कि ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है, ये सब लेके बात होती रहती थी। तभी मुझे नीमसेट के बारे में पता चला कि नीमसेट देने पर मुझे एनआईटीज में एमसीए करने का मौका मिलेगा। तो उसके बाद मैंने सोचा हाँ ये कर सकते हैं, क्योंकि मैंने प्लान ऐसा नहीं किया था कि मुझे ग्रेजुएशन के बाद जॉब करनी है, मुझे मास्टर्स करनी थी। तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, ऐसे मैं बोल सकता हूँ कि 2020 के शुरुआत में मैंने थोड़ा स्टार्ट किया था, लेकिन वो कोविड के बाद जो लॉकडाउन शुरू हुआ उस समय मेरा प्रिपरेशन टोटली बंद हो गया था। मैं प्रिपरेशन नहीं हो रहा था, यही चलेगा। मैं एक टाइम तो ऐसा था कि मैं सोच रहा था कि शायद नहीं निकाल पाऊंगा, मैं कुछ प्रिपरेशन नहीं कर रहा हूँ, कैसे निकलेगा, तो मेरा कॉन्फिडेंस नहीं था। तो फिर मैंने एक्चुअल प्रिपरेशन जब किया तो अराउंड 2020 के एंड में, नवंबर दिसंबर से मैंने एक्चुअली प्रिपरेशन शुरू किया सीरियसली। घर वालों ने भी बोला तो प्रिपरेशन कार्ड देखे तो देख, नहीं होगा तो तब बाद में देखेंगे। मैंने नवंबर दिसंबर से शुरुआत की थी। तो पहले तो मैंने सिलेबस पे ध्यान दिया, तो सिलेबस ऑनलाइन थे तो मैंने टाइम निकल पाया उसके लिए, सिलेबस के लिए। तो मैंने सिलेबस पे ध्यान दिया और मेरे दो दोस्त भी थे, एक साथ ही हम प्रिपरेशन करते थे। तो हम ऐसे में हफ्ते में दो तीन दिन ऐसे हुआ था कि हम एक साथ बैठ के सिलेबस खत्म किया करते थे। तो उसके वजह से सिलेबस खत्म होने का वो जो स्पीड है वो बढ़ चुका था मेरा। मैं ऐसा होता था कि हमें शायद फॉर एग्जाम्पल ट्रिगो करनी है, तो मैं उसके पहले हमारा प्लान ऐसा था कि हमें ट्रिगो खत्म करना है। अगर नहीं खत्म करेंगे तो ग्रुप स्टडी में कुछ नहीं कर पाएंगे। ग्रुप स्टडी में बैठ के हम सॉल्व किया करते थे। और फिर 2020 जनवरी में मेरे दो दोस्त और मैंने इम्पिटस का टेस्ट सीरीज लिया था। तो वहाँ पे तो सब मिल जाता है, टीपीटीज मिलते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, सब मिल जाता है वहाँ पे। तो वो जो टीपीटीज थे वो बहुत हेल्प किए थे सर मुझे। हम वो भी बैठ के सॉल्व किया करते थे, खुद करता था, कभी कभी ग्रुप में करता था। और डाउट क्लियरिंग के लिए तो आपके वीडियोस बहुत है सर, उसके लिए तो डाउट क्लियरिंग में तो उन वीडियो को देख लो, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे सर, ऐसा होता था। और उस तो जब मेरा अराउंड मार्च के महीने में शायद मेरा सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, बस मैं कॉनिक्स में थोड़ा वीक था। तो पहले जब मई में एग्जाम होने वाला था तो मुझे लगा था मुझे कॉनिक्स छोड़ना पड़ेगा, लेकिन सर मैंने जब पोस्टपोन हुआ तो मुझे टाइम मिल गया कि हाँ चलो कॉनिक्स भी खत्म कर लेते हैं। फिर तो सर मैंने कॉनिक्स खत्म करने के साथ साथ ही आपके वो टॉपिक वाइज टेस्ट देने लग गया। अगर प्रैक्टिस के लिए वो टॉपिक वाइज टेस्ट सर वो बहुत हेल्प किए सर। वो टॉपिक वाइज टेस्ट देते देते
वो टॉपिक्स भी क्लियर होने लगे, कॉन्फिडेंस भी आने लगा, हाथ की स्पीड बढ़ने लगी। मैं पहले जो था, मैं सिलेबस खत्म करने से पहले और खत्म करते हुए जो स्पीड थी टॉपिक वाइज टेस्ट देने के बाद सर, वो बहुत बढ़ चुकी थी। मैं खुद फील कर पा रहा था कि मैं जल्दी कर पा रहा हूँ। फिर जब मॉक टेस्ट होने लगे तब तो सर टाइम के, और वो जो इंपिटस का जो एग्जाम इंटरफेस है सर, वो तो पूरा एनालिसिस मुझे करके ही दे देता है। मुझे पेन पेंसिल की जरूरत नहीं पड़ती। बस वही सर, और जो ऑनलाइन में होने के वजह से थोड़ा सा हेल्प हुआ था कि मुझे टाइम ज्यादा मिल रहा था, और कॉलेज के पढ़ाई से थोड़ा वक्त या दो, थोड़ा वक्त कॉलेज को दो, वो मैनेज हो जाता था। सिर्फ जब सेमेस्टर सिक्स के हमारे लास्ट सेमेस्टर के जब एग्जाम हुए तब थोड़ा नीमसेट का प्रिपरेशन थोड़ा बंद हुआ था, पर फिर जब वो चला गया तो फिर बस प्रैक्टिस करो, पेपर एनालिसिस करो, जैसे कि आप हर वीडियो में बोलते थे पेपर एनालिसिस करो, बस वो पेपर दो, पेपर एनालिसिस करो, डाउट हुआ तो आपके वीडियोस है, बस प्रैक्टिस करते रहो। एग्जाम के पहले दिन तक तो वही करता था। देखो यही सबसे इम्पोर्टेंट भी बात है जो आपने बोली कि टेस्ट पेपर और टेस्ट पेपर के एनालिसिस और उसमें एक रेगुलरिटी जो आपने मेंटेन रखी। अच्छा क्या है कि आप जो टेस्ट इम्पिटस गुरुकुल के साथ, ये अच्छा है कि हम जो टेस्ट पेपर लेते हैं उनके एनालिसिस भी होते हैं, तो वो अपने आप ही डाउट्स भी क्लियर होते जाते हैं और चीजें भी कवर होती जाती हैं। तो ये कुछ चीजें हैं। और एक और प्लस पॉइंट था कि देखो आपने घर पर रह के कुछ प्लस माइनस, जैसे कई बच्चे बाहर निकलते हैं तो प्लस माइनस दोनों होते हैं, वैसे घर पे भी प्लस माइनस होते हैं। घर पर रह के आपको ज्यादा टाइम मिल पाया तो आपने पढ़ाई भी अच्छे से करी। तो एक्चुअल में देखा जाए तो 8-9 महीने में आपने ढंग से पढ़ाई करके इतनी अच्छी रैंक एनआईटी कैलिकट लेना, ये एक अचीवमेंट है, तो ये बहुत खुशी की बात है। अच्छा आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे, स्पेशली जो सेकंड ईयर में है, फाइनल ईयर में है, या जो फर्स्ट ईयर में है, कि उनको क्या कुछ चीजें हैं जिस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए अभी से? सर मैं मेरे जूनियर से यही बोलना चाहूंगा कि सबके ऐसा होता है कि सबके स्टडी के पैटर्न अलग होते हैं। क्या फॉर एग्जांपल अगर मैं रात को नहीं पढ़ पाता, पर मेरे बहुत दोस्त है कि रात को पढ़ लेते हैं, रात को जाग जाग के पढ़ते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जितनी जल्दी हो सके अपने स्टडी के पैटर्न को ढूंढ लो कि कब पढ़ने पर मैं कंफर्टेबल हूँ, कैसे पढ़ने पर कंफर्टेबल हूँ। जैसे मैं मेरे दोस्तों के साथ हफ्ते में 2-3 दिन ग्रुप स्टडीज करता था, उससे मेरा हम एक दूसरे के साथ कम्पीट करते थे कि कौन ज्यादा जल्दी से सॉल्व कर पा रहा है, ऐसे होके मुझे हेल्प मिला। तो ऐसे कुछ पैटर्न है जिससे मुझे स्टडी में हेल्प मिल रहा था। तो ऐसे अगर कोई ऐसा पैटर्न ढूंढ ले जी जो, और उस पैटर्न में स्टिक कर जाए और कंसिस्टेंट रहे, तो स्टडी निकल जाता है। वो एक रेगुलर बेसिस पे एक हैबिट बन जाएगा तो वो ही चलता रहेगा। बस वो पैटर्न ढूंढ लो कि कब स्टडी में मैं कंफर्टेबल हूँ, कैसे कंफर्टेबल हूँ, बस वही फॉलो करते रहो। और प्रैक्टिस तो करनी है, नीमसेट सर प्रैक्टिस से नहीं, प्रैक्टिस के बिना तो कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है, और बहुत अच्छी बात बोली आपने कि हर इंसान का स्टडी पैटर्न बहुत अलग होता है। क्या होता है, कोई सुबह पढ़ता है, कोई दोपहर में, कोई रात को, किसी को 2 घंटे में कोई चीज समझ में आती है, किसी को वही चीज 10 मिनट में आ सकती है, किसी को आधे घंटे में। तो कोई भी बच्चा जब किसी से, अक्सर क्या होता है लोग कंपेयर करने लगते हैं, ये एक चीज कई बार हमें पीछे ले जाती है। हमें अपने आप को समझना जरूरी है, और जितनी जल्दी हम अपने आप को समझ लेते हैं हम उतना अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, बहुत मजा आया आपसे बात करके बेटा। अब आपको एनआईटी कैलिकट में भी ऐसे ही परफॉर्म करना है और ऐसे ही आगे बढ़ना है, और अपने जूनियर्स को भी ऐसे ही मोटिवेट करना है। ऑल द बेस्ट वंस अगेन, कांग्रेचुलेशन बेटा। थैंक यू सर। आपको भी थैंक यू सर। मैं पूरे इम्पिटस गुरुकुल को, आपको, प्रतीक सर को बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा सर। आप लोगों के हेल्प के बिना कुछ नहीं होता सर, कभी नहीं होता। थैंक यू बेटा।